नमस्ते एवरीवन हम लखनवी अंदाज इसका पार्ट टू इस वीडियो में देखेंगे हमने पार्ट वन वीडियो में देखा था कि किस तरह लेखक और नवाब साहब एक दूसरे के आमने सामने ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठे हुए हैं और नवाब साहब के सामने उन्होंने एक तौलिए पे एक रुमाल पर दो खीरे खीरे मतलब ककड़ी रखी हुई है और दोनों जन एक दूसरे के उपस्थिति से उन दोनों के लग रहा है कि उनके कार्यों में विघ्न पड़ा है दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आ रहा है ऐसा लेखक को लगा अब देखिए उसके आगे नई कहानी आगे कहानी में क्या होता है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया संगति मतलब कंपनी हमने भी मतलब लेखक ने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली मतलब उनसे नजरें बचा ली खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक की कौन सी पुरानी आदत है? तो लेखक को खाली बैठकर कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है अब लेखक अपने कल्पना कर रहे हैं वो सोच रहे हैं नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे नवाब साहब क्यों उन्हें उनको देखकर वो इतने संकोचित क्यों हो गए परेशान क्यों हो रहे हैं ये लेखक सोच रहे हैं तो उन्होंने क्या रीज़निंग निकाला उसका संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोष उन्हें मंजले दर्जे में सफर करता देखे अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोष के सामने खीरा कैसे खाए लेखक को क्यों क्या कारण लगे कि उन्हें नवाब साहब सेकंड क्लास मतलब सेकंड मतलब मजला मजिला दर्जे में सफर करते हुए उन्हें देख के उन्हें क्या लगा लेखक को तो लेखक ने उसके दो कारण सोचे पहला तो ये कि नवाब साहब ने हो सकता है अकेले उन्हें अकेले यात्रा करनी हो और इस कारण से किफायत किफायत मतलब थोड़े पैसों की बचत भी करनी हो इस कारण से उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब उन्हें ये अच्छा ना लग रहा हो कि कोई शहर का कोई सफेद पोष मतलब कोई एक इज्जतदार इंसान यहाँ सफेद पोष इंसान कौन है लेखक तो एक सफेद पोष इंसान उन्हें दर्जे में मतलब सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में सफर करता देख ले एक तो ये रीजन है सेकंड अकेले सफर का वक्त काटने के लिए तो लेखक सोच रहे हैं कि नवाब साहब अकेले अकेले कैसे सफर काटेंगे इसलिए वक्त काटने के लिए समय बचाने के समय बिताने के लिए नॉट बचाने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे होंगे खीरे मतलब ककड़ी और अब किसी सफेद पोष के सामने मतलब किसी और इंसान के सामने खीरा कैसे खाए ककड़ी कैसे खाए मतलब वो नवाब है ना तो अब नवाब लोगों आम लोगों के सामने कैसे ककड़ी खा ले ये तो मतलब रईस लोग है तो ककड़ी तो एक बहुत ही साधारण सी चीज होती है तो अब उनको खाते हुए हमने देख लिया इसलिए शायद वो पसंद ना करे कि हम इस सेकेंड क्लास मजिला मतलब सेकेंड क्लास में हम लोग बैठे हम का मतलब यह होता है लेखक हर बार अपने आप को हम हम कह के संबोधित कर रहा है मतलब मैं हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे तो लेखक कह रहा है कि मैं कनखियों से कनखिया तब कहते जब नजरे बचा के सामने वाला देख ना लेके हम उन्हें देख रहे हैं इस तरह से छुपके वे नवाब साहब की ओर देख रहे थे नवाब साहब कुछ देर गाड़ी कि खिड़ खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे तो नवाब साहब विंडो के बाहर ट्रेन की विंडो के बाहर रेल में जो गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते रहे ओह नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया यह हर बार हमें का मतलब होता है लेखक अपने आप के बारे में बोल रहे हैं कि नवाब साहब ने कहा ओह ऐसा करके सबसे पहले वार्तालाप या बातचीत की शुरुआत किसने की बातचीत की शुरुआत की नवाब साहब ने। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे किसने किससे कहा नवाब साहब ने लेखक से कहा कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे ककड़ी खाना पसंद करेंगे नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा लेखक को अचानक से क्योंकि अब तक तो लेखक को लग रहा था कि नवाब साहब उसे पसंद नहीं करे और अचानक से वो बहुत अच्छे से उन्हें बोल रहे कि क्या आप खाओगे खीरा तो ये जो चेंज आया हो वो भाव परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगा भाप लिया भाप लिया मतलब पहचान लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं जवाब दिया शुक्रिया किबला शौक फरमाए मतलब लेखक को लगता है कि उन्हें नवाब सोचते होंगे कि ये तो बहुत मामूली इंसान है तो जिस तरह मामूली इंसानों को हम बहुत ज्यादा हम तो शरीफ है सफेद पोश है ऐसा कह के हम उन्हें जैसे नादान समझ के सामने वाले को जैसे बहला लो किसी चीज में कि और अपना इम्प्रेशन जमा लो इस तरह से वे हमें मामूली लोगों का जैसा समझ कर अपनी शराफत शराफत मतलब हम कितने अच्छे हैं ये दिखाने की कोशिश करके हमें बहला रहे हैं वो तो ऐसा उन्होंने मन में सोचा पर लेखक ने भी चेहरे पे तो बहुत अच्छे से कहा शुक्रिया थैंक यू किबला शौक फरमाए मतलब किबला एक सम्मान पूर्वक जैसे हम किसी को सर मैम या एक इज्जत देनी हो किसी को उस तरह से किबला वर्ड यूज तो कहा नहीं आप शौक मतलब आप शौक फरमाए मतलब खाइए जैसे हम बोलते नहीं थैंक यू आप खाइए नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय मतलब कुछ डिसाइड करके हीरो के नीचे रखा तौलिया झाड़ कर सामने बिछा दिया तो उन्होंने जो नेपकिन था नैपकिन एक रुमाल था रुमाल के ऊपर उन्होंने जो खीरे ककड़ी रखी थी तो अब उन्होंने इसे झाड़ कर जैसे इसे कपड़ा लेके कपड़े सुखाते तो हम लोग कैसे झटकते वैसे अच्छे से सलीके से बहुत तरीके से मैनरफुली उन्होंने रुमाल को बिछाया सीट के नीचे से लोटा लोटा जैसे ग्लास होता है वैसे पहले के एक लोटा भी रहता है ग्लास से एक बड़ा कंटेनर थोड़ा जिसमें पानी भरा पानी भरने के काम आता है वो भी तो नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया तो विंडो सीट पे बैठे थे तो खिड़की विंडो से बाहर उन्होंने दोनों खीरों को लिया और उसको तो उसको धोया। तो क्लीन किया से। तोलिए से पोछ लिया रुमाल से पोछा जेब से चाकू निकाला नवाब साहब के जेब ने अपने जेब में से चाकू निकाला दोनों खीरों के सिरे काटे सिरे मतलब एजेस उन्होंने कट किए और उन्हें गोंद कर झाग निकाला What is, गोन कर झाग निकाला आपने कभी अपनी मम्मी या किसी को देखा होगा कि किस तरह से ककड़ी को बहुत बार ऐसा कट करते तो पहले के जमाने को पहले के जमाने में ककड़ी का एजेस कट करके उसको कुकुम्बर जो ककड़ी रहती है उसके ऊपर ऐसा रब करते हैं और रब करने से एक स्टिकी स्टिकी चीज कुछ बाहर निकलती है तो उस तरह से उन्होंने एजेस को कट किया और गोंद कर मतलब रब किया दोनों एजेस को और ककड़ी को और उसमें से जो स्टिकी चीजें निकल एक स्टिकी सा कुछ एक लिक्विड निकलता है उसे झाँक कहा गया है उसको निकाला पहले के जमाने में बोलते थे कि जो ये हार्मुल रहता है ऐसे करके वो निकाल देते थे फिर खीरों को बहुत एहतियात से बहुत एहतियात जैसे हम बहुत ही कीमती चीज रखते हैं बहुत सावधानी से संभाल के बहुत ही एहतियात से पील कर मतलब पील किया उसको, और फाको को फाको मतलब स्लाइसेस उसको कट कट किया किसको कट किया और खीरे को ककड़ी को कट किया उसकी स्लाइसेस को करीने से करीने से मतलब सजा कर बहुत अच्छे से तौलिए पर सजाते गए तो रुमाल रखा और ऐसे ऐसे बहुत ही अच्छे से ऐसे स्लाइड्स कट करके प्लेटिंग किया प्लेटिंग के लिए उन्होंने रुमाल पे ही ककड़ी के स्लाइसेस को सजा दिया लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं जो स्टेशन पे आप लोगों ने भी कहीं जब हम घूमने जाते हैं बीचेस साइड तो ककड़ी वगैरह मिलती है तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उनको कट करके सजा के रखते हैं और ग्राहक के लिए जीरा मिलाकर नमक और पीसी हुई लाल मिर्ची की पुड़िया भी हाजिर कर देते तो स्टेशन पे जिस तरह वेंडर लोग बेचने वाले लोग एक तरह की जिसमें जीरा नमक और लाल मिर्च रहती है वो अः वो भी हाजिर कर देते हैं तो नवाब साहब ने बहुत करीने से बहुत अच्छे से सम... खीरे की फाकों पर खीरे की स्लाइसेस पर जीरा मिलाकर नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी सुरखी बुरक दी मतलब पाउडर जो था वो छिड़क दिया उनकी प्रत्येक भाव इज भाव भंगीमा जो चेहरे पे एक्सप्रेशन आते चेंज हो रहे थे जो तो वो किस तरीके से एक एक स्लाइस कट कर रहे थे जैसे आप मास्टर शेफ वगैरह में देखोगे कितने प्यार से वो अपनी चीजों को स्लाइसिंग करते हैं उनके चेहरे पे दिखाई देता है उसी तरह की भावभंगीमा उनके चेहरे के हाव भाव दिख रहे थे और जबड़े जबड़े मतलब तुम्हारे अपर जो, लो जो किस तरह से उनका फेस वो सब स्पष्ट कर रहा था कि उस प्रक्रिया में, किस प्रक्रिया में में किस खीरे को काटना उसके ऊपर मसाला लगाना उसको स्लाइसिंग करना उसका प्लेटिंग करना तो खीरे को किस तरह से तोलिए पर करीने से सजाना इस प्रक्रिया में उनका मुख उनका फेस हीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था वॉट इज दिस रसास्वादन की कल्पना मतलब किस तरह से ये रखते हुए उनके मुंह में पानी आ रहा था वो सोच रहे थे रसास्वादन मतलब वो उसका जैसे हम नींबू को देखते ही उसका जो स्वाद रहता है वो हमारे हमको पहले ही एक उसकी फीलिंग आ जाती है इस तरह से उनको देखते हुए ही समझ में आ रहा था कि वो कितने शौक से ये प्रोसेस कर रहे हैं ये प्रक्रिया कर रहे हैं प्रोसेस प्रक्रिया हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे रईस बनते हैं लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं तो लेखक सोच रहे थे अरे वाह बहुत रईस पैसे वाला बन रहा है नवाब है पर देखा लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में जैसे ही उनको पता चला कि इस वर्थ सेकंड क्लास के इस डिब्बे में वे कोई और लोग नहीं है तो वे अपनी असलियत असलियत मतलब जैसे कॉमन मैन करते हैं आम इंसान करते हैं उस तरह वे अपनी असलियत पर उतर आए मतलब एक खीरे को देख के देखो वो उनके मुंह में पानी आ रहा है नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी और देख लिया वल्लाह शौक कीजिए लखनऊ का बालम खीरा है तो वो बहुत ही अच्छे से बोल रहे हैं अरे शौक कीजिए आप भी खाइए नवाब साहब कह रहे लखनऊ का फेमस बालम खीरा है नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था अब लेखक बोल रहा है कि किस तरह से नमक मिर्च छिड़क के मस्त से अच्छे से उन्होंने उसको ऑफर किया था तो पनियाती वॉट इज पनियाती पानी टपकती हुई नमक लगाया तो जो जूसी खीरा है का मीनिंग पूछा जाता है पानी टपकाती हुई जो उनकी फाके थी फाके मतलब स्लाइसेस वो देखकर लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था लेकिन वे इनकार कर चुके थे पर एक बार उन्होंने मना कर दिया था तब आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा अब हाँ बोल देंगे तो बाबा उनकी इज्जत कम हो जाएगी ऐसा लेखक को लगा तो लेखक ने भी अपने आत्म सम्मान को बचाने के लिए उत्तर दिया शुक्रिया इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही तलब मतलब इस बार अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही है मैदा भी जरा कमजोर है किबला शौक फरमाए मैदा इसका मीनिंग भी पूछा जाता है मैदा मतलब पाचन डाइजेशन भी थोड़ा कमजोर है मेरा मतलब अभी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होगा तो किबला शौक फरमाए तो आप ही खाइए नवाब साहब ने सतुष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाको की ओर देखा अब नवाब साहब को देखिए उनका पूरा ध्यान कहाँ पे है खीरे पे जैसे हम जैसे एक मैंगो खाना हो आम खाना हो और हम कोई अपनी मनपसंद चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है वैसे ही नवाब साहब उस खीरे को नमक मिर्च लगी हुई है वो चमक रही है और वैसे ही उन्होंने उनकी फाको को देखा खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया दीर्घ मतलब लंबा एक लग, वो दीर्घ निश्वास लिया खिड़की के बाहर देखा उन्होंने और खिड़े की एक फाक उठाकर एक लंबी सांस ली एक लंबी सांस छोड़ी खीरे की एक फाक उठाई होठों तक ले गए हा 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 और फाक को सूंगा उन्होंने उनको वो फाक की जो खुशबू आ रही थी उसको सूंघा स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई जैसे हम कुछ खाना हैवन यस yes, ऐसा करके उनकी आंखें से आंखें बंद करके वो उसको फील कर रहे थे वो उसका सुगंध ले रहे थे मुंह में भर आए पानी का गुड़ गले में उतर गया लेखक को यहाँ तक समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऐसे स्वालो किया जो उनके मुंह में पानी आ रहा था देख देख के तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया तक लेके गए इमेजिन किया उस मुंह में जो पानी आ रहा था उसे गले से उतारा और फाको को स्लाइसेस को क्या किया बाहर फेंक दिया नवाब साहब खीरे की फाको को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए एक लेके गए पास में उसको फील किया उसके टेस्ट मतलब उन उसका जो स्वाद है उसको भी उन्होंने महसूस किया फील किया और बाहर फेंक दिया ऐसे उन्होंने सारी स्लाइसेस को बाहर फेंक दिया नवाज साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तोलिए से हाथ और होठ पोछ लिए हाथ पोछ लिया लिप्स को पोछ लिया गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी और देख लिया गुलाबी आंख अभिमान से भरी हुई आंखें यस अभिमान से भरी हुई क्यों? मानो वे आंखें कह रही थी ये है खानदानी रईसों का तरीका मतलब हम लोग कैसे रईस खानदानी नवाब है एंड ये हमारा तरीका है हीरा खाने का पनीना, ना वो जैसे कह रहे थे कि देखो हमने कैसे खाया हमने उसको फेंक दिया नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए ओ अभी लेखक को लग रहा है कि नवाब कैसे रहते नाजुक कोमल थोड़ा सा भी उन्होंने फिजिकल वर्क किया तो वो थक जाते हैं और फिर अरे मैंने तो बहुत काम किया हम आज ही इस कमरे से उस कमरे तक गए चलो अब हम थक गए अब हम सो जाते ऐसा लेखक को लगता है कि नवाब लोग ऐसे रहते तो उन्होंने ये प्रोसेस किया नवाब ने खीरे को तैयार किया धोया बिछाया मसाला लगाया और अब खाया उसको खाया मतलब खाने का एक प्रक्रिया किया और उसे फेंक दिया इस पूरे में वे थक गए और अब वो लेट गए और हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा तो लेखक कहते तस्लीम मतलब उनके सम्मान में हमें ये सर झुकाना पड़ा कि ये है खानदानी तहजीब नफासत और नजाकत ये तीन वर्ड्स है जो की वर्ड मुझे लगता है आप लोगों को याद कर लेने चाहिए कि ये है तहजीब नजाकत और नफासत मतलब तहजीब मतलब शिष्टता मैनर्स नफासत मतलब स्वच्छता उन्होंने कितनी क्लीनलीनेस से के साथ ये काम किया था और नजाकत मतलब कोमल था अच्छे से बिछाना स्लाइसिंग करना धीरे से एक आर्ट होता है इस तरीके से ये तीन उनके ये हम कहते नवाबों के ये गुण है तहजीब नफासत और नजाकत ये आज लेखक को देखने मिले और उन्हें ये देख के लगा कि उन्हें तो अब सम्मान में सर झुका ही लेना चाहिए हम गौर कर रहे थे क्योंकि अब तक तो लेखक को लग रहा था कि ये तो कहाँ के नवाब है ये तो खीरा खा रहे हैं खीरे के स्वाद में उनके मुंह में पानी आ रहा है तो ये कहाँ के नवाब हो गए हम गौर कर रहे थे हीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति भी हो सकती है तो अब लेखक सोच रहे हैं कि ये जो तरीका था इससे नवाब को क्या मिला सुगंध और स्वाद की कल्पना इमेजिनेशन उससे एक सटिस्फेक्शन एक संतुष्टि मिली, ये इसमें दो है। एक है सुक्ष्मा और एक है स्थूल मैंने स्टार्टिंग में पार्ट वन में ही बताया था सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो देखा नहीं जाता है तो वो फीलिंग थी उसमें उन्होंने स्वाद ले लिया उस कल्पना में जो एब्स्ट्रैक्ट तरीका है उस तरीके से उन्होंने खीरे का स्वाद लिया तो क्या इस तरीके से पेट पेट मतलब पेट पेट की की मतलब मतलब क्या पेट भरता है इस तरीके से तो किस तरह कुछ बनावटी जीवन जीते लोग जो अः यथार्थ मतलब आ, जो असली दुनिया है उससे बहुत दूर रहते हैं तो क्या जिस तरह से इन्होंने स्वाद लिया सुगंध लिया और एक कल्पना में उससे संतुष्टि कल्पना मतलब इमेजिनेशन में संतुष्टि मिली क्या इस तरह से उनका पेट भरा नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द भी सुनाई दिया इतना ही नहीं उन्होंने डकार ऐसे सॉरी सौ, सौ, बट ऐसे आवाज भी किया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि लजीज होता है लजीज मतलब स्वादिष्ट लेकिन होता है सकील सकील मतलब भारी heavy to digest, difficult. नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है मेदा इसका मीनिंग पूछा जाता है पहले भी आ चुका है मेदा मतलब तुम्हारा जो डाइजेशन होता है उस पर बोझ डालता है मतलब इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता और ऐसे कर रहे थे ऐसे डका ले रहे थे जैसे खाली स्वाद और सुगंध से ही उनका पेट ही भर गया ज्ञान चक्षु खुल गए किसके लेखक के ज्ञान चक्षु मतलब ज्ञान मतलब विजडम नॉलेज और चक्षु मतलब तो आज लेखक को लगा कि उनके ज्ञान सारी आंखें उनकी खुल गई आज पहचाना ये है नई कहानी के लेखक लेखक बोल रहे कि ये है नई कहानी के लेखक क्योंकि लेखक का मानना है कि कोई भी कहानी लिखने के लिए हमें कहानी का विचार उसके पात्र कोई एक उनका वर्णन या उसके उसके बारे में उस कहानी के बारे में कोई ना कोई ना घटना जरूर होनी चाहिए तो ही हम कोई कहानी लिख सकते हैं या उस कहानी का कोई अर्थ निकल सकता है बट परंतु यहाँ पे ये बनावटी दुनिया को देखकर लेखक को लगता है कि ये नई कहानी के लेखक है जो यथार्थ से जो रियलिटी से जो वास्तविकता से बहुत दूर है और अब सिर्फ अपनी कल्पनाओं में है सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार सकता है बिना खाए सिर्फ डकार जाए तो भी कि पेट भर गया तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती तो इस तरह लेखक सोचते हैं कि अगर ऐसी ही दुनिया रही तो बिना कहानी के बिना बातों के भी कुछ भी कहानी लिख सकते हैं इस तरह से हम देखते हैं कि लेखक ने इस कहानी में लखनवी अंदाज ये शीर्षक इसलिए दिया है क्योंकि लखनवी अंदाज ऐसे रईसों की जो जो यथार्थ से बहुत दूर है शानो शौकत की जो जिंदगी जीते हैं उनके बारे में एक कटाक्ष व्यंग किया हुआ है इस कहानी में और वे ये कहना चाहते हैं कि हम लोग यथार्थ में हमें जीना चाहिए हम कल्पना में जीवन नहीं जी सकते हैं और अगर कल्पना में जीवन जीते हैं तो वो एक झूठी शान की तरह जीते हैं इसलिए इस कहानी का नाम उन्होंने लखनवी अंदाज रखा है आई होप ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी कीप रीडिंग कीप लर्निंग थैंक यू बाय